One exercise, the question number 3 may get the angle of elevation of the top of a post from a point on level ground is 38 meter, away is 33.23 degree. Find the height of the post. For example, ये हमारे पास क्या है? ये कहते हैं कि यहाँ पे एक post है जो पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ग्राउंड पे, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 33.23 डिग्री, और ये पोस्ट जो है ये ग्राउंड से कितना अवे है इस पॉइंट से 38 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। सो कहते हैं कि आप इस पोस्ट का क्या मालूम करें, हाइट मालूम करें, ठीक है। तो ये हम डिस्टेंस डी कंसीडर करते हैं, तो इसको किस तरह मालूम करेंगे, लेट यहाँ पे जो एंगल है हम कंसीडर करते हैं थीटा 33.23 डिग्री, और जो डिस्टेंस है इस पोस्ट का इस पॉइंट से वो हम डी से डिनोट करते हैं 38 मीटर, और जो हाइट है इस पोस्ट का वो एच है जो कि अननोन है। देखिए ये रिलेशन है परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो इसके साथ एडजेसेंट होता है वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रिलेशन है वो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन थीटा से जाहिर करते हैं, और हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। यहाँ पे एंगल क्या है 33.28, परपेंडिकुलर जो है वो हाइट h है और बेस जो है वो डिस्टेंस d है जो कि 38 के बराबर है। अब ये 38 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, आप इस तरह करें 38 मल्टीप्लाई टेंजेंट 33.28 डिग्री सॉल्व करें, क्या आता है 23 ये 23 है, ठीक है, यहाँ पे ये 23 शाबाश, और ये भी 23 05655.1 और 38 से भी मल्टीप्लाई करें, इसको फिर मल्टीप्लाई करें 38 के साथ 24.89 मीटर जो है वो इस पोस्ट का क्या होगा, वो हाइट होगा, ठीक है।